नगर निगम करनाल और उनके ठेकेदारों की एक और करतूत इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के गौशाला रोड पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सड़क को खोदा गया था कि यहां पर सीवरेज डाला जाएगा। 10 दिन तक दुकानदारों को परेशानी होती रही, लेकिन जब दुकानदारों ने आवाज उठाई कि इसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा, तब ठेकेदार साहब अपनी गलती माने कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने इस सड़क को नहीं खोदना था, दूसरी सड़क को खोदना था और यहाँ पर सीवर डालना था। लेकिन कहीं ना कहीं किस तरह से आप देख सकते हैं कि पब्लिक के पैसे का, सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले सड़कें तोड़ी जाती हैं, फिर दोबारा से उन्हीं सड़कों को बना दिया जाता है। हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो करनाल से विधायक भी हैं, उन तक ये खबर जरूर पहुंचे कि किस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। करनाल के गौशाला रोड पर हम मौजूद है, दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। सर, 10 दिन पहले यहाँ पर आपके दुकानों के बाहर सड़क खोद दी जाती है, तो क्या कुछ निकल कर इस मामले में सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, इसके मतलब कि पहले बोला गया था भी यहाँ से सीवरेज दबा जाएगा जी, तो उसके बाद मशीन वहाँ तक खोदते हुए चली गई, उसके बाद दोबारा से कोई रिप्लाई नहीं आया। आज दोबारा से आए हैं जी, वो ठीक करके चले गए हैं, बस ये आगे कुछ बताया नहीं उन्होंने, यही करके गए हैं जी, आगे कोई बताया भी नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब दोबारा से इसी सड़क को ठीक किया जा रहा है जी, जी, जी। तो क्यों सीवरेज क्यों नहीं डाला जा रहा, अगर पहले इन्होंने कहा था कि सीवरेज डाला जाएगा? अभी उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है जी, मतलब कुछ बता के नहीं गए हैं जी भाई, ये सीवरेज दबेगा या नहीं दबेगा जी, अभी खोद के गए थे, उसके बाद दोबारा से कोई आया नहीं। कोई प्री प्लानिंग नहीं होती सर, पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, ऐसे ही लगा के चलो जी। तो ये आप देख सकते हैं कि दुकानदार यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से आप देख सकते हैं कि इस सड़क को पहले खोद दिया गया, दोबारा से इस पूरी सड़क को बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी आप सभी से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ये इस समय करनाल के नवल्टी रोड के पीछे गौशाला रोड की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से सड़क को खोद दिया गया। दुकानदार काफी ज्यादा परेशान थे, दुकानों का काम नहीं हो पा रहा था। जो दुकानदार है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ पर आपकी दुकानें हैं? पहले सड़क खोद दी गई, दोबारा से अब उसी सड़क को बनाया जा रहा है, लगता है कि जनता का और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो नगर निगम के अधिकारी व ठेकेदार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, बहुत दिनों से बड़ी परेशानी हो रही है। अब पहले कह रहे थे कि यहाँ पे सीवरेज डलेगा, लेकिन इतनी परेशानी हुई, अब दोबारा फिर इसको बना रहे हैं। हमें काफी परेशानी हो रही है, गाड़ी खड़े करने में परेशानी हो रही है, मोटरसाइकिल खड़ी करने में परेशानी हो रही है, जाम लग जाता है, कस्टमर भी नहीं आ पाते, सामान लेना निकालना होता है। अब कह रहे हैं कि दोबारा इसको कहीं और खोदनी थी, यहाँ पे खोद दी इन्होंने। अच्छा, गलती मानी है, गलती मानी है उन्होंने, तभी तो बना रहे हैं। देखो आपके सामने ये, अगर ये कहीं यही बननी होती तो दोबारा से रिपेयर होती, सीवरेज डलता इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है कि प्री प्लान तरीके से होना चाहिए, कुछ ना प्री प्लान कोई नहीं था, वैसे ही अंदाजे से खोद दी उन्होंने और खोद के चले गए। आज 10-12 दिन से बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। तो बिल वगैरह तो जरूर सरकारी खाते में सर बिल्कुल जी, लोगों का पैसा बेचते जा रहा है ये सारा। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसपास के दुकानदार भी मौजूद हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक ये खबर जरूर पहुंचे। तो जैसा कि मेरे सहयोगी ने आसपास के जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत की, और जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक बार फिर से जो नगर निगम के अधिकारियों की और ठेकेदारों की लापरवाही है वो सामने आई है। आप देख सकते हैं गौशाला रोड पर इस समय हम लोग मौजूद हैं, और एक बार फिर से जो है एक सड़क को खोद दिया गया, लेकिन उसके बाद जैसा कि आसपास जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि ये कह दिया गया कि यहाँ पर सीवरेज डलना था, लेकिन वो किसी और रोड पर उन्होंने खोदना था, गलती से उन्होंने इस रोड को खोद दिया, और जिसके बाद अब जो है वो उस रोड को ठीक करते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। लेकिन अपने आप में ही सवाल जरूर उठते हैं कि आखिरकार प्री प्लान तरीके से क्यों नहीं काम किया जाता, क्यों इस तरीके से अनप्लान मैनर में जो है हमेशा ऐसे ही काम कर दिए जाते हैं। उसके बाद में जो है नगर निगम के अधिकारियों पर भी सवाल जरूर उठते हैं, ठेकेदारों पर सवाल जरूर उठते हैं कि आखिरकार ऐसे काम क्यों किए जाते हैं, जिनके जवाब जो हैं वो नगर निगम के अधिकारी ना दे पाएं। क्योंकि यहाँ पर जो आसपास के जो दुकानदार हैं वो काफी ज्यादा परेशान जरूर है कि किस तरीके से सड़क को खोद दिया गया, दुकानों में एंट्री आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल है कि लोगों को दूसरी साइड से चलकर जाना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी परेशानी इसलिए भी है क्योंकि अब जो ठेकेदार है उनका ये कहना है कि किसी और सड़क पर जो है उन्होंने कार्य करना था, गलती से उन्होंने इस सड़क को खोद दिया, जिसे अब वो ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। न जाने इतनी लापरवाही आखिरकार क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि जैसा कि हमें दुकानदारों ने भी कहा कि इसमें लोगों के पैसे जो हैं वो लगे हैं, सरकारी पैसे जो हैं लगे हैं, अंत में जो है बिल सरकारी जो खाते हैं उसमें डाल जरूर दिया जाएगा, लेकिन कार्य जो है वो नहीं हुआ, लापरवाही एक बार फिर से नजर आई। जैसे कि हम आपको काफी समय से दिखा रहे हैं सड़कों की अगर हम बात करें, सड़क घोटाला जो है वो कितना ज्यादा जो है इस समय सामने आ रहा है। काफी ऐसे सड़कें हैं सीएम सिटी करनाल में जहां पर अभी तक जो है सड़कों की हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब है। अभी कुछ समय पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने आपको वसंत विहार के भी कुछ तस्वीरें दिखाई थी। बल्डी गाँव की अगर हम बात करें, उचानी गाँव की बात करें, जहां पर सीवरेज के लिए जो है सड़कें खोद दी गई
गई, लेकिन अगर उसके बाद उसका कार्य की बात की जाए सीवरेज डलने के बाद, हालांकि सीवरेज डले हुए भी काफी समय हो चुका है, लेकिन वसंत विहार में जो है सीवेज जरूर डले, लेकिन उसके बाद जो है सड़कें नहीं बनाई गई। वही अगर हम लोग बल्डी गांव की बात करें, उचानी गांव की बात करें, वहां पर सड़कों को तो है खोद दिया गया है लेकिन कार्य अभी तक नहीं हुआ है। वही एक और सड़क की तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से गौशाला रोड की लाइव तस्वीरें हैं। सड़क को यहाँ पर खोद दिया गया और उसके बाद जो है ठेकेदारों द्वारा ये कहा गया कि हमें किसी और सड़क पर जो है कार्य करना था, गलती से इस सड़क को खोद दिया गया और उसके बाद जो है इसे अब ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दुकानदारों की परेशानियों की अगर हम बात करें तो दुकानदारों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो एक ही तरफ से पूरा ट्रैफिक जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दुकानदारों से हम लोग बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है कि इस तरीके से किसी और सड़क को खोदना था और इसे खोद दिया गया। हाँ, प्रशासन की तो लापरवाही है, जैसे कोई और सड़क खोदनी थी यहाँ खोद के चले गए, पैसे की बर्बादी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, हमेशा ही जाम लगते रहते हैं। आज आए हैं, आज थोड़ी सी बदली गिर के चले गए, उसके बाद किसी ने कोई सुध ली नहीं, कोई आए नहीं। सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार? हम तो चाहते भी बन जाए, जल्दी जल्दी बने ताकि यहाँ पे ट्रैफिक रुके ना, कोई दिक्कत ना आए किसी को भी और सड़क सही बने। तो जैसा कि आपने देखा दुकानदारों ने से भी हमने जब बातचीत की तो सभी का यही कहना था कि लापरवाही इसमें ज़रूर है, चाहे वो नगर निगम के अधिकारियों की हो, ठेकेदारों की हो, क्योंकि इस तरीके से सड़क को खोदना और उसके बाद ये जवाब मिलना कि किसी और सड़क पर कार्य करना था, गलती से इसे खोद दिया और उसके बाद उसकी जो है मरम्मत का काम इस समय यहाँ पर चल रहा है, उसे ठीक करने का जो काम है वो यहाँ पर ठेकेदार करते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। लेकिन सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि अगर इस रोड पर कार्य नहीं किया जाना था तो फिर इसको क्यों खोदा गया और इतनी लापरवाही क्यों दिखाई गई? पैसों की अगर हम बात करें, जैसा कि हमें आसपास जो दुकानदार हैं उन्होंने भी कहा कि इसमें पैसे जो हैं जनता के पैसे इसमें लगे, सरकारी जो बिल है वो आखिरकार अंत में सरकारी पैसे जो हैं उनके नाम फाड़ दिया जाएगा, लेकिन कार्य यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहूंगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर ताकि हम लोग जो अधिकारी हैं उन तक ये खबर पहुँचा सके, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक ये खबर पहुँचा सके कि आखिरकार अगर कोई भी कार्य जो है उनके शहर में होता है, कोई भी विकास कार्य होता है तो उसका एक पूरा प्लान जो है वो पहले से जरूर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर अनप्लान तरीके से ही कार्य होंगे तो ऐसे ही परेशानियों का सामना जो है जनता को भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए जैसा कि अभी हमने दुकानदारों से बात की वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो आगे चलकर ऐसे किसी को कोई और परेशानी ना हो तो प्री प्लान तरीके से जो है कार्य होने चाहिए ताकि सभी कार्य जो है सफलतापूर्वक पूरे हो सके, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा काफ़ी एरिया ऐसे हैं अभी भी करनाल में जिनकी सड़क खोद दी गई है लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है, वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से आप लोगों से अपील मैं यही करना चाहूँगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सरकार तक ये खबर पहुँच सके और जल्द से जल्द कार्य जो है उन पर जरूर ध्यान दिया जा सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।